बिहाने 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 बिहाने। अरे गलियन गलियन घूमे ला गोरा का बेटोआ आई हो दादा हे सावर गोदाना गोदाई 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 आई हो दादा। हमारे लेदार देवर जी कहाँ के असर भाई? आज ही मेला से आवतनी, काल रात भर थकल बनी मेला में, लेकिन बड़ा मजा आई हो। तो बुझात बाटे मेला से कुछ लल्ला के ना हमरा। लेकिन भौजी वो मेला का मेला जाने में घूमे के पड़े अकेला, तू रहतू तो एक और अलगे लागत झमेला। लेकिन तहरा से झमेला और मेला के बातचीत करब, लेकिन पहले देख दर्शक सब के नमस्कार करे के बाद। बाप रे बाप, बहुत बड़ा एगो एथी होतल, प्रणाम करतनी सब लोग के। अविजया भारती के भी नमस्कार। हम दोनों लेके आयल बानी आज के बिहाने बिहाने प्रोग्राम। और रउआ सब के तो अंदाजा लागिए गई हुई इनकर मिजाज देख के कि आज कौना मिजाज में हवे। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, तू सब लोग खाती कार्यक्रम लेके आयल हूँ, हम तारा खाती एगो और चीज लेके आयल बानी। तो हमरा पूछे के रहे कि हमरा खातिर कुछ आयल है कि ना मेला से। जी हम मेला जाई अपना भौजाई खातिर कुछ लेके ना आई। हाँ तो हिम्मत करबो ना कर, देखई गिरतो बटे कुर्सी पर से उठा के दिखावे। तारा खाती लिए बनी फर्स्ट क्लास के जींस, सब तरह के दिखावे, ब्लू रंग के। कहा ब्लू रंग के एकदम जिस जींस बा जमना के चुस्त जींस कहल जाला, टाइट फिटिंग। देख लो दर्शकों लोग देखे तो कहे के भौजाई के बड़ा मान। आई रे दादा, ये तो बोरा हो। बोरा हो औ का ये बोरा पहनबू नु? तो पेन के बोरा लगभग एकदम छोड़ा, एक नंबर के छोड़ा। शहर में यह बोरवा नानियों पहनली, नातिनियों पहनली, बाबूजी पहनले, मैयो पहनली, तो सब मिल के एक साथ पहन के घूमे ले सब। हाँ एक साथ सब लोग। तो तू जे हमरा के ई पहना के छोरा बनेबा, हाँ तो तहरा का पहनावल जाए है साड़ी? बाप रे हम इना, लेकिन हम जींस ना पहने भौजी, हम तो धोती होती पहने तो ठीक बटे। तो हम हो तो खाली साड़ी पहनी ला हो देवर जी। जहाँ तनी भौजाई के अपना मॉडर्न कर देवे के। हम मॉडर्न मने आधुनिक। हमरा एक बात बतावा, पढ़ल लिखल तो तू हव ना, स्कूल तो कहियो गईला ना? अरे कोई मई सब अंग्रेजी शब्द कहाँ से सीख कोई ला देवर जी? में ऐसा ऐसा बात ढेर होला तो हके बता देता नहीं हम। लेकिन भौजाई आज कुछ हमरा कमी बुझाता। का कमी बुझाता? तहार सब कमी हुई पूरा, आ तहार जोन लयदारी के जोन अंदर कुरकुरा रहल बा ना कीड़ा, ओकरो इंतजाम बा। लेकिन पहले अपन सेहत सुधारा देखा हम फिर योगा वाला बात कहे लगभग हम जाना। अरे हमरा के देखो ना कैसन सुंदर हम छरहरा बदन के हैं योगा कह कह के, तुहू कर रउआ सभी के साथे। हम निमन नहीं खिला का देखे में। अच्छा चलिए सब आदमी देखल जाओ योगा कैसन बा। जाने बहने देखे वाले सभी लोगों का हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम आपके बताए साइनस, साइनस रोग किस प्रकार से तो के परेशान करेला। साइनस में का होला? नाक से लगातार पानी आना, आँख से पानी आए, दो कारण होना साइनस के। कैसे साइनस के दूर करल जाए? जिनकी भी साइनस उनके रोज नित्य प्रतिदिन का करे के चाहिए, रात्रि के टाइम रोज उनके का सरसों का तेल थोड़ा सा गुनगुना करके नाक में एक बूंद, दाएं नाक में एक बूंद, बाएं नाक में, तो सबसे पहला ये काम करके चाहिए। ओकरे अलावा हम आपके दो प्राणायाम बतावत हैं। पहला प्राणायाम कहला नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये प्राणायाम में का करल जाला, दाएं से श्वास भरब, बाएं से निकालब, बाएं से भरब, दाएं से निकालब, ये कहला नाड़ी शोधन प्राणायाम का पहला चक्र। तो आई करिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। इमन का करल जाला, पद्मासन सुखासन बैठ गई, कमर कर्दन बिल्कुल सीधी होकर चाहिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा मतलब तर्जनी अंगूठा परस्पर एक दूसरे से मिले होके चाहिए। दाएं ये होगल विष्णु मुद्रा, दाएं स्वर से लंबा गहरा सांस भरनी, बिना रोके उके बाएं स्वर से निकाल देनी, ये कहलाला पहला चक्र। फिर बाएं से लेनी, दाएं से निकलनी, नाड़ी शोधन का एक चक्र कहलाता। आई करी नाड़ी शोधन प्राणायाम।
ये होगा नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस ए प्राणायाम के कम से कम 20 से 25 बार आपके अभ्यास जरूर करे के चाहिए। उसके अलावा आपके कोशिश करे के चाहिए कि ऐसा जल मतलब ल्यूकवाम यानी गुनगुना पानी आपके पिए के चाहिए। दूसरा प्राणायाम बताओ थी कहलाला भस्त्रिका प्राणायाम, लेकिन ये प्राणायाम जो उच्च रक्तचाप के रोगी हों हृदय रोगी हों उनके वदे ही वर्जित है। इमन का करल जाला लंबा गहरा सांस नाक से भरल जाला और नाक से सांस छोड़ल जाला आवाज के साथ। ये कहलाला भस्त्रिका प्राणायाम यानी लोहार की थुकनी नुमा, लोहार की थुकनी में जो भस्त्रा जैसे आवाज होला उस तरह से सांस के लिए और छोड़े में आवाज होला। तो आइए करें भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम भी पद्मासन सुखासन में बैठ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, लंबा गहरा नाक से सांस भरनी और नाक से ही सांस छोड़ा। देखिए जरा ये कहलाला भस्त्रिका प्राणायाम। हाई ब्लड प्रेशर के रोगी अगर अभ्यास बिल्कुल ना करिए, लो ब्लड प्रेशर वास्ते रामबाण का काम होला ये प्राणायाम। ये प्राणायाम से क्या हो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रज्वलित हो जाए, ऊर्जा अग्नि जब हमारे शरीर में अग्नि ज्वलित हो जाए उससे का एडवांटेज है पूरे शरीर में हीट आ जाए। हीट से क्या होला जो नाक की प्रॉब्लम है पानी बार बार आता था, आँख से जौन पानी गिरा था धीरे धीरे वो प्रॉब्लम खत्म हुई। ओकरे अलावा हम बतावत हैं जैसे जब भी आपके समय मिले कोशिश करें ऐसा अभ्यास जिनमें हम कहला जल नीति। जल नीति का होला लोटे में आप पानी लेना, दाएं सर से मतलब दाएं नाक से पानी भरना, बाएं से निकाल देना, फिर ओकरे बाद बाएं से भरना दाएं से निकाल देना। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ हम आप ना दिखा पाते हैं आपके, लेकिन जल नीति भी बहुत लाभप्रद है। सूत्र नीति आप चाहें तो सूत्र नीति डालना, सूत्र नीति निकाल लेना हो साइनस वास्ते बहुत लाभप्रद है। ये सारी चीज़ें ओकरे अलावा कुछ व्यवहारिक तरीके अगर आप फॉलो करत हुआ तो आप धीरे धीरे पाइए कि आपका जो साइनस का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। अगले प्रोग्राम में हम किसी और विषय में आपके बताए, तब तक हम के इजाजत दें। आप सभी के हमारे बहुत बहुत नमस्कार। हाँ भौजी, तू तो भले हमरा के योगा दिखावत रो रोज, लेकिन हे भगवान ई गधा लेसन दिमाग वाला आदमी के का कैसे सुधारी हमरा तो बुझाइते नहीं का गलती कनी के तू डांटे लगे। अरे रोज तहरा के हम कहतानी कि योगा कह योगा कह दुनिया कहले योगा आ तू कहला योगा कहला हमर कितना देहाती भाई योगा कहला से त हमहू योगा कहनी, लेकिन अभी तरह योगा के और जरूरत बा और छढ़ारा और सुंदर बने खाती। हम एकदम फिट बानी, खायल पियल घर के बानी तो ठीक बानी। ये तो बात ठीक बा, लेकिन अब ये बताओ कि वो जब वादा कैले रहलो के केकरा के बुलाओ तरो बड़ा लयदार रसदार लयदार रसदार गायक कलाकार के राउर मन के अग्नि के शांत करे खातिर बुलौले बानी, और रउओ सभे के बिहाने बिहाने में संगीत के आनंद देवे खातिर बुलौले बानी हमनी के आज अपना स्टूडियो में श्री श्याम लाल बेगाना जी के। वो आई हैं इलाहाबाद से और रउआ सभे के भोजपुरी गीत सुनई हैं। विदेशवा जइबे ना हम, विदेशवा जइबे ना हम, विदेशवा जइबे ना रुन झुन खोला न हो के वारिया हम विदेशवा जइबे ना। अरे भौजाई उन्हें देखा
सबके का हाल बा गीत सुन के। सब जना के हाल गबड़ा गइल बा हमरा लागत आ कि। अरे रउवा सबे के कैसे लागल आज बिहाने बिहाने कार्यक्रम में जोन रउवा सबे भोजपुरी गीत सुननी है तो हम सोचते रही कि रउवा सबके जिज्ञासा शांत करे खातिर इनका से कही कि आपन परिचय से सबके परिचित कराओ। आई पगला के तो मन में ऐसा ही उथल पुथल मचल बा ये गीत सुन के। ऐसा पहले भैया के बारे में जाना तो नहीं से कहाँ से बानी कैसे कैसे। हम तो इलाहाबाद से बानी। अच्छा। लेकिन परिचय बतौले के पहले हम इस धरती के प्रणाम करना चाहब जो ने धरती पे शुरुआत भइल बा। बड़ी खुशी बा और हमके गीत संगीत तो विरासत में मिलल बा। हमार बाबूजी एक बड़ा अच्छा कलाकार रहल नौटंकी के नाम वहाँ के कार्य बताई। हमारे पिताजी के नाम रहल आलोपी उस्ताद। अच्छा अच्छा जी। तो हमके ये सब विरासत में मिलल 12 साल की उम्र से ये मन लगल है कि भैया जहाँ जला तहाँ धमाका हो जला एकदम कार्यक्रम का रंगारंग हो जला। सबके बुझा तार तू अपने लिखा गोबर गणेश। ये बोझी एक और बात सुना ना ये धमाका में एक और ऐसा धमाका कैलर यहाँ के उड़ीसा में जी जहाँ के हमने के जान दनी से शायद कि वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक जी जी सही कहते हैं ना जी जी वहाँ के लोग सम्मानित कैलर नहीं जी जी। ये बताई कि जब सम्मानित भैया लोग कैसा लागल हुई। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया बाबू। इतना खुशी भइल रहल है उस समय। हाँ। इतना खुशी कि एक अहिंदी भाषी क्षेत्र में हमारे भोजपुरी भाषा के इतना बड़ा सम्मान भइल तो कलेजा बिल्कुल गदगद हो गइल। इससे बड़ी खुशी का गदगद के कलेजा में गदगद के एहसास कितना होत हुई अपन दर्शक लोग के। हाँ। सभी प्रोग्राम के देखत हुई जरूर, कि एक भोजपुरी कलाकार के ऐसा सम्मान भइल कहीं दूसरा जगह में जाके। लेकिन समय के देखत अजीत हमरा लागत था कि अब हम इनका से ई एक बात मन में हमरा बा पूछे के बोला तू तो अपन निकालिए ले लो भड़ास। हमरा ही बताई रुआ बहुत सीनियर कलाकार हैं बहुत समय से का राउर एक कलाकार होगी नाते का सपना रहल। सपना यह रहल कि हम अपने जनता के अपने सुने वालन के स्वस्थ मनोरंजन दी। स्वस्थ मनोरंजन और हमके खाली हमार नाम रहे गाते गाते दम घुट जाए कोई दिक्कत ना हो बस यह खुशी रही हमारे अंतिम क्षण। रउआ से कहब कि ये कार्यक्रम राउर रउआ साथ में आज के कार्यक्रम समाप्त करे से पहले अंतिम गीत जैते जैते सुना दी हमारा दर्शक। प्यारी पिया से बोली माने बात हमार बले मुँह। अरे ये हमार बले मुँह के हमके लाई द झूलनिया झोंकेदार बले मुँह। हमके लाई द झूलनिया झोंकेदार बले मुँह। अरे बाजू बंदा कड़ा छड़ायो पौआ के पैजनिया। बाजू बंदा कड़ा छड़ायो पौआ के पैजनिया। नथिया बेसर हमें लिया दा नथिया बेसर हमें लिया दा कमर की कर धनिया कि धनिया कि धनिया कि धनिया पौआ पड़े तोहरे बारंबार बालम। कि धनिया पौआ पड़े तोहरे बालंबार बालम। ये कहल जला सही लयदार भौजी जोन गीत के लय अजीत के भी समझ में आ गई तो हमरा बुझा गई कि गीत में असर बा और रउआ सबे के बहुत अच्छा लागल हुई का। तो रउआ आज हमरा सबे के कार्यक्रम में आईनी गाना सुने उनी बहुत बहुत राउर धन्यवाद। लेकिन फिर एक वादा करके जाए कि फिर जब बुलावल जाए लागे कि राउर गीत सुने के और जब जब बुलावल जाए तब तभी हमके आवे के बाय आई गाना जी गाना गावे आई हैं जी। हाँ पक्का। और बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ई रहन आज के भोजपुरी कलाकार श्री श्यामलाल बेगाना बेगाना जी
और हमरा बुझात बा कि रउआ सबके तो आनंद आइले बा, लेकिन ई जो आनंद बा, आनंद आनंद को जाने का मन कर रहा है अथी तीर्थ यात्रा पर। एर हिंदिया ठीक बोल रही है न? ठीक बोल रही है। हम तो ये सोचे तानी कि इतना तहरा दिमाग पर असर हो गई कि एकदम दीवाना लेखा करता तू आज। अच्छा तीर्थ यात्रा पर हाँ, इस उम्र में मेला घूम के आने के बाद ये हुलिया, ये रंगीलापन, इतना हमरा सब कुछ मिला जुला के शंका में दिमाग पड़ गई बा हमार। लेकिन एक पर हम विचार करब बाद में, अभी तीर्थ यात्रा पर भी ले चलो। अब बिना समय गवौले रउआ सब के लेके चले तानी और इनकरों के साथ ले। हाँ, हमरो के लिया ला तर लेवे के पड़ी तो चलबो कहाँ चलबो, कहीं दूर दराज चलबो ना लगही, कहीं लिया चल अपना। तो हम ले चले तनी रउआ सब के इनका साथ दिल्ली के बिरला मंदिर। यह दिल्ली का विश्व प्रसिद्ध बिरला मंदिर धर्म के अलग अलग रंगन में एगो नया रंग जोड़ेला। हर समुदाय के श्रद्धालुवन के स्वागत करेला ई लक्ष्मी नारायण मंदिर। ए भव्य और कलात्मक मंदिर बनवौले रहन सुप्रसिद्ध उद्योगपति राजा बलदेव बिरला। 26 मार्च 1933 में धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह ए मंदिर के शिलान्यास कैले रहलन। 101 विद्वान मिलके मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कैलन। 6 साल के अनवरत परिश्रम के बाद मंदिर के निर्माण कार्य पूर्ण भइल। 18 मार्च 1939 के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ए मंदिर के उद्घाटन ए शर्त पर कैलन कि ए मंदिर के द्वार हर समुदाय के लोगन खातिर खुलल रहे के चाही। सुप्रसिद्ध वास्तुशिल्प श्री चंद चटर्जी ए मंदिर के डिजाइन कैले रहलन। एमे मुगल कालीन और आधुनिक वास्तुकला स्पष्ट लौकता। उत्तरी भारत के नागर शैली में निर्मित ये मंदिर उड़ीसा के प्राचीन मंदिरन से प्रेरित लागिला। मुख्य गर्भगृह के ऊपर के शिखर की ऊंचाई बा 165 फीट। एकर दोनों ओरी दुगो छोट शिखर बा। प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते सामने सीढ़ी बा और बाई ओरी बा विदेशी पर्यटकन खातिर स्वागत कक्ष। सफेद संगमरमर के सीढ़ी से होके अंदर प्रवेश कैला पर सामने लौकेला स्वामी लक्ष्मी नारायण के अति सुंदर दिव्य मूर्ति। द्वार के घंटा के बजा के श्रद्धालु आपन उपस्थिति दर्ज करेली। द्वार पर स्थित मंगल मूर्ति हर आवे वाला श्रद्धालु के स्वागत करेला। ए मंदिर के दाया ओरीबा दुर्गा मंदिर। ए मंदिर के परिक्रमा में अनेक सिद्ध पुरुषन व देवी देवतन के दर्शन होखेला। बाया ओरीबा एगो सुंदर शिव मंदिर जकरा के भित्त चित्त के माध्यम से अत्यंत सुंदर ढंग से सजावल गेल बा। एकर अलावा एहजा बा निष्काम कर्म के संदेश देत गीता मंदिर। सामने बा सुदर्शन चक्र के साथ भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक मूर्ति। शीश महल के सुंदरता मन के मोह लेवेला। व्यास के गद्दी में प्रभु कथा सुन के श्रद्धालु आस्था के सागर में डूब जाते। पूर्वोत्तर कोना में बा एगो आकर्षक हनुमान मंदिर। बाहर स्थित सिंह के मूर्ति श्रद्धालुवन के आपन ओरी आकर्षित करेली। परिसर के कलात्मक स्तंभन पर अंकित बा वेद के पवित्र वचन।
मंदिर परिसर के वाटिका में स्थित बा रहस्यमय गुफा, लघु पर्वत, मनोहारी झरना, श्रद्धालु कुदरत की गोद में चरम आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करेंगे। हा भौजी, यह कहा जाला कि दिल्ली सही में दिलवाला लोग के बाटे। दिल्ली के बिरला मंदिर देख के बड़ा मजा आयल दर्शक लोग के भी हमरो। लेकिन अब लागता कि चिट्ठी पत्री के कुछ सुना दल जाओ। बहुत सारा हमारे दर्शक लोग बैठल हो टेलीविजन के सामने। दिलवाला के नगरी घूम के इनकर दिमाग पर थोड़ा सा असर भइल कि बुद्धि के बात कैलन। हाँ, पढ़ा भौजाई तू। हम चाहते नहीं कि पहलका चिट्ठी तू ही पढ़ा। खास चिट्ठी आयल बा का हो? देख, टेलीविजन के सामने बैठल बा लोग, बैठ के देखत आलो कि हमारे चिट्ठिया शामिल भइल कि ना। तो पहला चिट्ठी बा सत्या प्रसाद जी के, रेलवे कॉलोनी गोरखपुर से। ई लिखतारन की बिहाने बिहाने के जे हमार घर में रउआ लोगन खुशहाली ले एनी। सवेरे रउआ लोगन के कार्यक्रम देख के जे मन संतोष और शांत होला, ओसे पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेला। ई तक कि हमार बाबूजी कहेलन हमार माई अवरी पत्नी के कि काम छोड़ लोगन अवरी ई प्रोग्राम देखेलन से। सारा परिवार मिलजुल के प्रोग्राम हमनी के देखी ला, बहुत अच्छा लगेला। अरे उनकरा से लदार गेना और हेते देख चिट्ठी भेजले बड़े हम पढ़ते दनी। लिखले में प्रणाम पहले करते रहे, लिखत रहे कि हम इलाहाबाद के रहे वाला बानी, हमर नाम बा शंभू सिंह। आई कहत रहे कि भईवा बतावे के चाहतनी, भौजाई से भी कहे के चाहतनी, अजीतो भाई से कहे के चाहतनी कि हमार टेलीविजन में जो 9-10 हजार रुपया लगल बा के प्रोग्राम बिहाने बने देख के सब सज जाता पैसा। ती रउआ सभी के प्रेम बा, प्यार बा कि रउआ सभी इतना प्यार से हमनी के चिट्ठी भेजतानी और प्रोग्राम देखतानी बिहाने बिहाने। ई रउए सभी के प्रोग्राम बा। अरे एगो ऐसा हमार आदमी बा जी कहत अगर टेलीविजन में हम तरह के देखते हैं तो हमें बड़ा नीक लगत रहा। लेकिन नाम ना बताए, मैं अभी मत कुछ कहा। फिलहाल अब टाइम आ गया बा डॉक्टरी के। भाई केहू डॉक्टरी अगर हमरा घर में पढ़ के आइल बटे तो ओकर सही तरह से उपयोग होके के चाहिए। आ हमारे चैनल पर दर्शक लोग के भी बहुत सारा फायदा होके के चाहिए। तो भौजाई हमारे बताइए अपने से कौन रोग के अगर दवाई घरेलू बता दो। अपना से बताइए। हाँ अपने से, तू तो डॉक्टर ही ना हो बिना फीस के डॉक्टरी है। जो डॉक्टरी पढ़ लिख के अगर केहू डॉक्टर होला, अच्छा जे केहू बिना डॉक्टरी पढ़ले डॉक्टरी करे। हाँ? दोनों में कितना फर्क बा। हाँ, तो तू पढ़ल हो? हम ना पढ़ल है। अच्छा? लेकिन हमार अनुभव, हमार तीव्र बुद्धि, अच्छा, हमारी टैलेंट की सबके बीमारी दूर करता नहीं। अच्छा, तो यह टैलेंट के हमने के सही उपयोग करे के चाहते हैं। घुमाओ तार नाक लाल काहे बा। अब देखा इनका खून बहता, खून नहीं के बात लेकिन बतावे के चाहता रू नाक के बारे में। तो बताओ अगर इनका चाहे रउआ सब में से केकरो भी घर में परिवार में कहीं भी समस्या होके कि नाक से खून बहे, कोनो फुंसी हो जाए, तब पीसल फिटकरी में मध मिला के वहाँ लगा दी, एकदम ठीक हो जाए। तू कर जाके। अरे हाँ, मैं यहीं ना कर जाए। लेकिन अब दर्शक लोग से बताओ कि चाहते नहीं कि कार्यक्रम के टाइम खत्म हो गई बा। हमर देखा अजीत, टाइम कबहू खत्म ना होला, हमनी के कहीं पर रुके के पड़ेला ताकि अगला सवेरा आवे, अगला बिहान आवे। अगला बिहान में हम दोनों असही लड़त झगड़त मुस्कुरावत और गीत सुनावत, डांस करत। नचनिया के लेके हम का करें। अच्छा, हमने के आयम से कल फिर यही टाइम में कार्यक्रम बिहाने बिहाने लेके हमर भौजाई विजया भारती, हम उनकर छोट लाड़ला प्यारा प्यारा देवर अजीत आनंद से सब लोग के प्रणाम बा।